रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे पैरामेडिकल पोस्ट 2/2019 का रिजल्ट डिक्लेरेशन शुरू हो गया था, जिसमें हमने सुबह बात किया था, दोपहर में बात किया था कोलकाता का। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कट ऑफ भी जारी हो गया है, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का। कौन से आरआरबी की यहाँ बात करेंगे? जो चार आरआरबी है, भोपाल, पटना, मुजफ्फरपुर और अजमेर, ये चारों आरआरबी का रिजल्ट आ चुका है। केवल वेबसाइट पे हम भोपाल को दिखा देते हैं, बाकी आरआरबी पे आप देख लीजिएगा। बाकी डिटेल हम इसमें सबकी एक एक करके शेयर करते हैं। तो देखिए, सारा डाटा लाइन से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम आपके लिए लाए हैं एक साथ आरआरबी, केवल दिखा देते हैं भोपाल, जहाँ पे देखिए यहाँ पे आया है। यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन नंबर 2/2019 जिसमें है कैंडिडेट फॉर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन। साथ में दूसरे नंबर पे है क्लिक हियर टू कट ऑफ मार्क्स, जिसमें वेटिंग लिस्ट और मेन लिस्ट की भी है। इसी तरह आपको वेबसाइट जो आपको मिलेगा पटना, मुजफ्फरपुर और अजमेर, सब पे आ चुका है। तो सबका डिटेल आप देख लीजिएगा। अब एक एक करके देखते चलते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं ऐसा आरआरबी जिसमें पटना का है, जिसमें डायरेक्ट एक ही में सब कुछ दिया हुआ है, डिटेल एक ही पेज में सारा है। डिटेल टोटल ये आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 50% लोगों को बुलाया गया है, अगर कोई लोग हैं तो, और बढ़ते क्रम में नहीं है, ये डिटेल में सारा है। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको 2-3 दिन रुकने का होगा, सब में एक ही दिया है, कोई अलग नहीं है। इसमें कैटेगरी नंबर 2 में देखिएगा 59 नंबर कैंडिडेट है, कैटेगरी 2 स्टाफ नर्स का। जो आपका रोल नंबर देखेंगे सारा 26 ही मिलेगा यहाँ पे, पटना का कोड। उसके बाद है आपका डायलिसिस टेक्नीशियन 4, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर 3 में 40 के पोस्ट है, ऑप्टोमिस्ट 2 है। उसके बाद आपका 10 नंबर कैटेगरी में 2 है, 6 आपका 11 नंबर कैटेगरी में है, 12 में 2 है रेडियोलॉजी में, 16 नंबर लैब असिस्टेंट 2 में 6 नंबर है, और टोटल पूरी आरआरबी में देखेंगे यहाँ तो 121 कैंडिडेट का नाम है। इतना ही पोस्ट और प्लस में है, दोनों मिला के 8 तारीख का रिजल्ट है। अब यह कटअप देखेंगे, कटअप बहुत ज़्यादा कटअप नहीं है, देख सकते हैं आप। यूआर के लिए 64, इसके लिए आपका स्टाफ नर्स का 64, यहाँ पे एसी के लिए 54, एसटी के लिए 51 और यहाँ पे ओबीसी के लिए 64। और जनरली आजकल जितने भी कटअप आते हैं परसेंटेज के टर्म में आते हैं, 100 के टर्म में, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कोई डिफरेंस होगा तो बोलिएगा। यहाँ पे एक सर्विसमैन का 38 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए, ईडब्ल्यूएस का पहली कटअप जारी हुआ है 54 हुआ है, ओबीसी का 60, ईडब्ल्यूएस का 54, यूआर का 64। ओबीसी से ईडब्ल्यूएस का कटअप कम है, यहाँ भी देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस का कटअप यहाँ भी कम है, और 68, 59, 37 सारे हो गया। बाकी कैटेगरियों में ईडब्ल्यूएस का नहीं दिख रहा है, लेकिन कटअप यही आपका 60 से लेके 64, और ओबीसी में देखिए 30, 31 से लेके 51 तक है, ये कटअप आपका नॉर्मल का है ईसीआर में। उसके बाद एडिशनल वाले के देखिएगा 50% में, यहाँ भी देखिए उसी तरह से कटअप है, यहाँ भी आपका ईडब्ल्यूएस का कटअप ओबीसी से कम ही है जहाँ भी कटअप है, और बाकी यूआर का भी कटअप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कटअप नहीं है, मैक्सिमम ही है। अब अगले बार में चलेंगे दूसरी आरआरबी का। तो एक आरआरबी हमारा हो गया, इसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम एक शुरू से ले लेते हैं। तो शुरू हमारे पास कौन सा आरआरबी आएगा? तो हमारे पास एक आरआरबी है भोपाल। भोपाल में देखिएगा तो टोटल वैसे ही करते करते आप आएंगे, तो भोपाल में टोटल देखिए लिस्ट का, स्टाफ नर्स में 41, कैटेगरी नंबर 6 मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए आपको 15, 11 नंबर में 14, रेडियोग्राफर में 3 है। उसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 2, कैटेगरी नंबर टोटल 75 कैंडिडेट है, मात्र 75 है। तो पटना में 121 था, यहाँ पे 75 है। इसकी कटअप लिस्ट भी यहीं साथ में दी हुई है, तो इसकी कटअप लिस्ट भी साथ में देखते चलें। तो ये कटअप लिस्ट है आरआरबी भोपाल का। कटअप लिस्ट में भी देखेंगे, यहाँ भी ईडब्ल्यूएस का जो कटअप दिया हुआ है देख सकते हैं, 64 ओबीसी का है, 57 इसका है, 53 ओबीसी का है, 41 आपका ईडब्ल्यूएस का है। यूआर में देखेंगे तो यूआर के लिए भी कटअप यहाँ सही सही है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा है यूआर का कटअप। उसके बाद एसी के लिए देखेंगे तो ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस से भी ज़्यादा एसी का कटअप है। उसके बाद एसटी की बात करेंगे तो एसटी का कटअप देखिए 61 है, और ईडब्ल्यूएस का कटअप 57 है। ये डिटेल है, और बाकी आपका इसका वेटिंग लिस्ट में देखिएगा
तो वेटिंग लिस्ट में भी देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट में स्टाफ नर्स वगैरह वगैरह सबका कट ऑफ 47 से लेके 68 तक यूआर का, 66 आपका ओबीसी का, 58 आपका ईडब्ल्यूएस का, 54 फॉर्मलिस्ट के लिए, यानी सभी कैटेगरियों में कह सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ कट ऑफ अभी 70 से ऊपर कोई कट ऑफ नहीं गया है, सारा नीचे है, तो ठीक ठाक कह सकते हैं। अब इसमें हम चलते हैं दूसरे आरआरबी का, तो इसको डिस्कार्ड हम कर देते हैं एक बार डिस्कार्ड करने के बाद, इसको डिस्कॉट कर देते हैं, अगले आरआरबी के बात करते हैं। अगला आरआरबी कौन सा ले लिया जाए, तो कोई ले लीजिए, एक आ गया आपके पास, ये आ जाएगा अजमेर का। अजमेर में भी डिटेल देखेंगे तो उसी तरह से सारा पोस्ट का डिटेल एक ही है, इसमें भी आप देखेंगे तो अजमेर में आप देखिए जो जो पोस्ट होगा उसी की वैकेंसी आई होगी। तो यहाँ कैटेगरी नंबर 1 दिया हुआ था, डाइटिशियन का 2 पोस्ट था, स्टाफ नर्स का 2 नंबर में 50 पोस्ट रिजल्ट है, पोस्ट तो प्लस 50% जोड़ के दिया हुआ है अगर कैंडिडेट अवेलेबल हैं, यानी एक पोस्ट तो एक पोस्ट का एक ही होगा, क्योंकि आधा कैंडिडेट को तो बुलाएंगे नहीं। उसके बाद कैटेगरी नंबर 2 में 2, कैटेगरी नंबर 10 में 2, आपका कैटेगरी नंबर 11 में 39, कैटेगरी नंबर 12 में 8, 14 में 1 और कैटेगरी नंबर 16 जो सबसे लास्ट है इसमें 36 है। तो यहां तक आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 144 कैंडिडेट है, पटना में 121, और उसके बाद आप वहाँ देखें तो वहाँ पे आपका भोपाल में कुछ 40 के आसपास था, यहाँ 144 था, 70 के समथिंग जो भी होगा भोपाल में। तो ये यहाँ का लिस्ट है। यहाँ का कटअप की बात करेंगे तो यहाँ से कटअप देखने के लिए भी हमें यहाँ से देख लेते हैं, कटअप यहाँ का दिया हुआ है अजमेर का। अजमेर का कटअप आप देखेंगे तो मेन पहले एक्स्ट्रा कैंडिडेट का ऊपर दिया हुआ है, मेन लिस्ट का नीचे दिया हुआ है रेगुलर कैंडिडेट का। यहाँ भी हम अगर देखें तो ईडब्ल्यूएस का कटअप 67, ओबीसी का 75, यूआर का 76, उसी तरह देख सकते हैं यहाँ पे 52 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए लैब असिस्टेंट के लिए, 62 ओबीसी के लिए, 64 यूआर के लिए, उसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे 67 और यहाँ पे 67 आपका रेडियोग्राफर के लिए। स्टाफ नर्स वाला में ही ज़्यादा पोस्ट का था, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है स्टाफ नर्स में सबसे कम नॉर्मल वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस का कटअप है, EWS का कटअप यहाँ सबसे कम है, और एक सर्विसमैन का कहिए तो और कम है, और इससे आपका EWS से ज़्यादा कटअप आपका किसका है, लगभग बराबर है PWBD का। तो कह सकते हैं EWS का सब जगह कटअप है। अभी नया वैकेंसी 10% कोटा वाला है, हो सकता है बहुत लोगों ने इसका बेनिफिट नहीं लिया होगा, ये भी एक कारण हो सकता है, और भी कारण हो सकता है। तो ये आपका रेगुलर का हो गया, उसमें आप देखेंगे नॉर्मल आपका जो आ गया ये 50% एक्स्ट्रा का। इसमें भी आपका सबका देख बात करेंगे तो EWS से करीब करीब सबका ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अभी मेन में भी था तो यहाँ भी होगा, और यहाँ कटअप सबसे ज़्यादा अभी तक मिला है मुझे 3 आरआरबीओ में, अजमेर का कटअप सबसे ज़्यादा है पैरामेडिकल कैटेगरी पोस्ट के लिए। अब चलते हैं एक और आरआरबी बच गया है उसको भी देख लिया जाए। तो अजमेर के बाद हमारे पास क्या बचेगा, कौन सा आरआरबी बचेगा, तो ये आरआरबी हमारे पास मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में आप नीचे इसकी तरफ देखिएगा तो यहाँ पे स्टाफ नर्स का देखिए, टोटल पोस्ट स्टाफ नर्स का लिए यहाँ पे 23 दिया हुआ है, उसके बाद आपका हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 5 दिया हुआ है। टोटल कैंडिडेट हैं, पोस्ट इससे कम ही होगा क्योंकि ये 50% मिला के ही है, 6 आपका फार्मासिस्ट टेक्नीशियन का है, और टोटल 34 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और मेडिकल एग्जामिनेशन में जाएंगे वेटिंग और रेगुलर से मिला के। इस आरआरबी का अगर देखना चाहेंगे आप कटअप, तो कटअप इसी के साथ जुड़ा हुआ होगा, कटअप है यहाँ पे। तो ये चौथा आरआरबी में आप कटअप देखिएगा तो कटअप यहाँ पे भी आप देखें तो सबका बराबर लगभग है, ईडब्ल्यूएस 56.67, ओबीसी 56.0 और यूआर 58.5 स्टाफ नर्स के लिए बिल्कुल बराबर में है रेगुलर के लिए। एसटी के लिए 53, एससी का देख सकते हैं 33। बिहार में शेड्यूल कास्ट तो अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पे आपकी देखिए कटअप कितनी कम ही है, पोस्ट 2-4-10 होंगे, बहुत ज़्यादा 2-4 से ज़्यादा पोस्ट होगा नहीं। उसके बाद हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए देखिए 58 और 53 ओबीसी में, बाकी में हो सकता है वैकेंसी नहीं हो डॉट 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 है तो। उसके बाद फॉर्मलिस्ट के लिए 53 और 35 गया हुआ है यूआर और एसटी के लिए। उसके बाद इसमें आप वेटिंग में भी देखेंगे तो लगभग वही 55-53 वाला आसपास में कटअप है। तो ये 4 आरआरबी देखें हमने, 4 आरआरबी में एक ही चीज़ दिखा,
कई जगह पे EWS का कट ऑफ आपका नॉर्मल से कम कट ऑफ गया है, हो सकता है नई वैकेंसी है इसलिए, या रेशियो का डिफरेंस हो रहा है इसलिए, क्योंकि 10% सीट और उतनी जनसंख्या के अनुसार से अभी हो सकता है उनका कार्ड नहीं बना होगा, या जो रिजर्वेशन का OBC जैसा 8 लाख का प्रमाण पत्र वो नहीं बना होगा, हो सकता है इसलिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।